हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो है हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है देखेंगे। इसका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पहले से ही अपलोडेड है, तो जा करके आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना चैनल पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। इसमें जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना, कौन कौन से बन सकते हैं और कैसा होता है उसका आंसर भी जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पहला है कि व्हाट इज द ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द है ना, यहाँ से जो है इसको नहीं लिखना है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या है? ठीक है, तो इसमें है कि इसमें जो भी है, ठीक है, भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द कंडक्टर है, और आई यहाँ पर क्या होगा? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ये करंट के। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आएगा, तो इसके जगह पर जो है इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा आर, तो आर आई जो है ये हमारा बन जाता है। आर यहाँ पर क्या है? तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इतना जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछेगा है ना, तो ये चीज़ है ना, यहाँ पर आर क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, तो इसको जो जाना जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द मैटेरियल और द कंडक्टर के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको जो है आप ध्यान में जरूर रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या हैं? ठीक है, ओम्स लॉ इज ओबेड इफ़, तो दो ही चीज़ है, द कंडक्टर इज ओमिक और टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, तो ये जो है इसके लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज मीन बाई इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट सब क्या समझते हैं, इसका यूनिट लिखना है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करेंट इज इक्वल टू है ना चार्ज है ना, चार्ज बटे टाइम। ठीक है, यानी क्यू। ठीक है, तो चार्ज होगा यहाँ चार्ज बटे टाइम, ऐसे को लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट है ना। अब इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका जो एस आई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिफाइन अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में जो है आपको डिफरेंस बताना, डिफाइन करना है। ठीक है, दोनों को डिफाइन करना है, और उसके बाद क्या करना है कि राइट अ फॉर्मूला कनेक्टिंग अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो है देखते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इसके जो है अब बनते हैं डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसको जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है वी डी से। ठीक है, तो वी डी से इसको डिनोट किया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ठीक है, उसके बाद रिलेक्शन टाइम क्या होता है? तो द शो टाइम फॉर विच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स है ना, एक्सेलरेट बिफोर इट्स अंडरगो अ कोलाइजन विद द पॉजिटिव आयन इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रिलेक्शन टाइम। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है? ठीक है, तो उसको हम लोग ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर जो बनता है यू यानी म्यू इज इक्वल टू वी डी बटे ई। ठीक है, तो ये जो है इसका रिलेशन बनता है, और इस पर जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा और ये दिया हुआ रहेगा, तो इसको फाइंड करना रहेगा। ठीक है,
या कभी ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, तो इसको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इस पर न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि एस्टेब्लिश करना है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया को ए मानेंगे और लेंथ को एल मानेंगे, तब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर भी इज इक्वल टू ए एल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि इफ़ एन एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो देन टोटल चार्ज क्या होगा ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो क्यू इज इक्वल टू एन ए एल ए। ठीक है, तो इसको जो है जरूर आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब उसके बाद है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल द डिस्टेंस टी विथ वेलोसिटी वी डी, तो इन टाइम टी, तो यहाँ पर बनते क्या है कि टी इज इक्वल टू वन बटे वी डी। ठीक है, और यहाँ पर आई इज इक्वल टू का बन जाता है क्यू बटे टी। ठीक है, तो ये जो है अंतिम हमारा फॉर्मूला निकलता है आई इज इक्वल टू एन ई है ना और वी डी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसको नोट कर लेना है, इससे भी न्यूमेरिकल्स जो है आएंगे। ठीक है, इससे भी न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइट द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। सीरीज के लिए देखो कॉम्बिनेशन ये होता है, पैरेलल के लिए ये होता है, तो इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस क्या है ऑन फैक्टर्स डिपेंड ऑन, क्या कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट्स, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये डिपेंड होता है फॉलोइंग फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स नीचे हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, तो इस पर जो है ये फैक्टर जो है होता है। ठीक है, तो इसको भी जरूर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच मेटल आर यूज टू प्रोड्यूस नाइक्रोम इन विच एपरेट नाइक्रोम इज यूज, तो नाइक्रोम का एलवाई होता है निकेल का, ठीक है, आयरन का एंड क्रोमियम का है। इसका जो यूज किया जाता है वायर बाउंड रजिस्टर्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर और एमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि एमीटर जो मेजर करता है वो करेंट इन अ सर्किट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एमीटर क्या है, तो एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट। ठीक है, तो ये चीज़, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, दो नंबर के शायद पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज नॉट मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, वाई। अब ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर नहीं किया जाता है, क्यों नहीं होता है, इसका कारण बताना है। तो देखो ईएमएफ जो होता है आइडियल कॉन्सेप्ट होता है ना, विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन इट्स ट्रू फॉर्म। ठीक है, इसको ट्रू फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। When we measure the EMF of a cell by connecting it to a voltmeter, there is always some loss of electric energy. ठीक है, तो some यानी loss of electric energy, जो electrical energy वो क्या करता है, loss करता है, तो due to this reason, और यही कारण है कि इसको जो है measure voltmeter से नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में जरूर रखना। Next question देखते हैं, डिफाइन करना है ईएमएफ ऑफ अ सेल को, तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट है ना, ओपन सर्किट मतलब व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। ठीक है, तो इसको भी लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या जो है डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, एक तरफ है ईएमएफ और दूसरी तरफ है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है, इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। ठीक है, तो इसके जो है फर्स्ट बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं कि इट इज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इन अ क्लोज सर्किट। ठीक है, तो इसके फर्स्ट डिफरेंस बनते हैं। सेकेंड इसके डिफरेंस क्या है, तो सेकेंड डिफरेंस है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रजिस्टेंस। ठीक है, तो इट इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसमें क्या बनता है कि इट डिपेंड्स अपन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो ये इसके जो है सेकंड डिफरेंस बनते हैं। ठीक है, ये इसके सेकंड डिफरेंस बनते हैं। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है कि ईएमएफ इज यूज फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है,
तो ये इसके जो है डिफरेंस हैं, ठीक है। तो इसको भी जरूर लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इतना सारा जो है, अब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आप पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।